काम था, प्रयास जारी है सरकार से, और उसके बाद में थाने वाले बुला लिए थे। कल का जो अपना कार्यक्रम है सीएमओ का गैराज सचिवालय तक, कल अपन ने कहा था भाई सीएमआर का घेराव करेंगे, तो वहीं पास में सीएमआर है, वहीं सचिवालय है, तो वो लिखित में लिया है, परमिशन नहीं दे रहे थे साथियों। अभी मैं मुदगल जी को जगह बता दूंगा, वो उसमें डाल देंगे। कल सारे अपन को 11 बजे 10:30 बजे वहां सब इकट्ठे होने हैं। दूसरा साथियों, कल सारे जिलाध्यक्ष बैठे थे मीटिंग में, ये कहा कि साहब उनको बुलाओ, जो भी मंत्रालय कर्मचारी के लिए लड़ना चाहता है और जो भी यहाँ आना चाहता है उसका सबका स्वागत है साथियों। लेकिन कोई भी संगठन, पहले तो जितने भी संगठन जो यहाँ पर मंच पे आके और समर्थन हमारे को देखे गए, उन सबका धन्यवाद। और जो अब जो मंत्रालय कर्मचारी जो चल रहे हैं, उन सबको मैं आह्वान करता हूँ कि वो सब जिस विभाग के अगर वो नेतागिरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो सब सामूहिक अवकाश देके अगर वो यहाँ आते हैं तो उन सबका स्वागत है साथियों। जो तैयार हो गया आप लोग, भाई आप लोग ये कह रहे हो कि नहीं साहब, सभी जिलाध्यक्षों की भावनाओं को देखते हुए और जो कल मीटिंग में साथी थे उनकी भावनाओं को देखते हुए, अगर कोई भी कर्मचारी संगठन आकर मिलकर लड़ना चाहता है तो उनका स्वागत है, आप वो आए, उनका शिप्रापक स्वागत के लिए तैयार है। ये साथियों आपकी भावनाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया है, और कल अपना जो कार्यक्रम अपन ने दे रखा है, और भी अपन कार्यक्रम जारी करेंगे, लेकिन आज बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा कि अगर वहां जाओगे तो यहां से उठना पड़ेगा। तो मैंने आज थाने जो इंचार्ज साहब उनसे बात करके कि सब आधे कर्मचारी वहां रहेंगे, आधे कर्मचारी यहां रहेंगे, क्योंकि यहाँ के अगर जगह अपन छोड़ देते ना तो सारा कुछ इतने दिन की मेहनत अपनी सारी बेकार हो जाती। तो अपन को पंडाल थोड़ी छोड़ना साथियों, तो अपने सारे जिलाध्यक्षों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में